हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। इसके लिए बेसन ले मैंने 4 चम्मच बेसन ली है चाय की चम्मच से। और अब हम काजू बादाम लेंगे, चीनी, 1 कटोरी घी। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखें और इसमें 1 कटोरी घी डाल दें। घी जब हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम बेसन डालेंगे और ये हलवा खाने में काफ़ी टेस्टी है और जल्दी बन जाती है। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये 2-3 दिनों तक ख़राब नहीं होती है। इसे आप रख के भी खा सकते हैं। इसमें अब हम बेसन को डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूंजेंगे, जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। और फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। ये काफ़ी यमी है। इसमें हम 1/2 कटोरी दूध और 1/2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 4 चम्मच बेसन लिया है हमने, चाय के चम्मच से उतना ही हम चीनी डालेंगे, 1/2 कटोरी। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। ये बेसन हमारा रेडी है भूंज के। इसमें चीनी डाल के थोड़ी देर के लिए इसे और फ्राई करेंगे, हम भूंज लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कटोरी दूध डाल देंगे। आपके पास मलाई हो तो वो भी डाल दें। और ये खाने में काफ़ी यमी लगती है, एक बार इस तरह बना के ज़रूर ट्राई करें। इसे हम अच्छे से भूंज लेंगे। इसमें से खुशबू आने लग, इसमें से घी बाहर आ जाएगा। भूंजते भूंजते काजू बादाम डाल दें। ये हमारा हलवा रेडी है बेसन का। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और यह काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें। जब भी मीठे खाने का मन हो आप इसे बना के ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी है ये। एक बार इस तरीके से बनाइए बेसन का हलवा।